लग नहीं रहा किसी भी एंगल से देखे कि ये मंदिर 2500 साल पुराना है, इतनी बेस्ट कंडीशन में। एक और जगह मिली है, दिस लुक्स इंटरेस्टिंग। वो बंदे ने हमें बताया था कि दरवाजे के बाहर निकलोगे तो बहुत ही अच्छा व्यू आएगा, और सच में सामने जो दिख रहा है वो बहुत ही ऑसम व्यू है। क्या आ रहा है पीछे? पिंचू पांडा। पिंचू पांडा आ गया। पिंचू पांडा अभी दीवार के रन अलोंग करके ऊपर जाएगा। सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। हम लोग वापस आ गए ईडर में। लास्ट वीडियो में आपको बोला था कि ईडर में जितने भी अभी मंदिर एक दो दरगाह है वो कवर करनी बाकी है, वो हम वापस आके कवर करेंगे। तो आज संडे है, हम लोग वापस आए ईडर। अभी बज रहे 1:30। सबसे पहला जो मंदिर है वहाँ पर चलते हैं। तो जब ईडर में एंटर करोगे, सीढ़ियाँ थोड़ी सी वो चढ़ के जैसे ये क्रॉस पे आओगे, यहाँ पे आपको एक मंदिर मिलेगा और ऐसे कुछ उसका रास्ता है। तो फाइनली मंदिर पे पहुँच गए। ये जानेश्वर महादेव का मंदिर इसका नाम है। इसकी खासियत यह है कि अंदर मंदिर में पानी आता है, वो कभी ख़त्म नहीं होता है, वो बरसता रहता है। दिखाते हैं आपको कैसा लगता है अंदर से मंदिर। ये एक मंदिर है यहाँ पे, ये जो आपको गुफा दिख रहे हैं अंदर, यहाँ से मंदिर में जाना है। तो यहाँ पे है अंदर मंदिर। लेट्स सी, बहुत ही छोटी सी गुफा है, बहुत ही नैरो है, झुक के जाना पड़ेगा आपको। तो जब भी अपने वीडियो में देखा नीचे जो पानी बह रहा था वो कहाँ से आता है वो किसी को पता नहीं, और दूसरी बात वो कभी भी बंद नहीं होता, विच इज़ अ रियली कूल एंड इंटरेस्टिंग थिंग। तो इसीलिए ये मंदिर है वहाँ पे बहुत फेमस है। लास्ट संडे जब हम लोग आए थे तब हम कुछ 4:30 को आए थे, तब सन इतना नहीं था वो, तो आराम से हम लोग चढ़ पाए थे। अभी तो आधे रास्ते नहीं पहुँचे और बहुत ही ज़्यादा थक गए, बिकॉज अभी 1:30 हो रहा है। तो आप समझ सकते हो कि धूप कितनी कड़क है। A few inches later. ये दोनों, तुम दोनों किस लाइन में खड़े हो? आशु, हमको लग रहा है कि हमें धक्का मार के ऊपर। मैं तो अपना कुछ काम करो, ये क्या करेगा? मैं छाया ले रही हूं इसके पीछे, आशु के पीछे। अरे तो खड़ी है। नहीं, ये रास्ता पूरा खाली, तुम दोनों यहाँ लाइन लगा के क्यों खड़े हो? अरे मैं तो कुछ कर रहा था, ये क्यों खड़ी है? मुझे फिर मैं चढ़ूंगी ऊपर। ज्यादा धूप लग गई क्या दोनों को? तो अपनी बात का जो हमें दोपहर में लेके आए भी, आप खड़े थे हाफते हुए देखा मैंने। तो वो जो रास्ता था अंडरग्राउंड, जो लास्ट व्लॉग में आपने देखा था, वो रास्ता जैसे ही सीधे अंदर अंदर आओगे यहाँ से बाहर निकलना, काफी अच्छा शॉर्टकट है, बहुत ही ज़्यादा शॉर्टकट रास्ता था। जैसे आप अंदर आओगे डायरेक्ट अंडरग्राउंड रास्ते से निकल जाना, सीधा यहाँ पे बाहर निकलोगे आपको सेकंड फ्लोर पे जाना। सबका यही प्लान है, थक गए तो सीधे बाहर निकलेगा प्लान है, बट यहाँ से बाहर निकलते ही सामने के लिए आपको रास्ता मिल जाएगा मंदिर के लिए, दरगाह के लिए, दरगाह के लिए रास्ता मिल जाएगा। तो अभी हम वहीं चल रहे हैं, कहीं तो पहुंच ही जाएंगे, कहीं तो पहुंचेंगे। सांस बहुत फुल, बहुत ज़्यादा धूप है, कैसे पता नहीं। आज संडे तो काफ़ी सारे लोग फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करने के लिए, प्री वेडिंग शूट करने के लिए भी आया। हमने कपल देखा अभी जो यहाँ पे प्री वेडिंग शूट कर रहा था। तो जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, यहाँ पे काफ़ी सारे अच्छे अच्छे स्पॉट्स हैं जहाँ पे आप लोग शूटिंग वीडियोग्राफी फोटोग्राफी आराम से कर सकते हो।
तो अब हम लोग आ गए दूसरे मंदिर पे, ये है महाकाली माता जी का मंदिर। यहाँ से जब आप ऊपर चढ़ते हो आगे, यहाँ पे एक सीढ़िया है, वहाँ से नीचे आएंगे तो महाकाली माता का मंदिर है। बंद है एज यू कैन सी, बट ये भी एक गुफा में है मंदिर। तो अभी हम लोग एक जंक्शन पे आए, अगर मेरे पीछे जो आप रास्ता ये देखेंगे तो यहाँ से आपको छोटे छोटे एक दो मंदिर है वो मिलेंगे, बट अगर आपको जो बड़ा जैन मंदिर है और दरगाह है वहाँ पे जाना है तो सीधा जो ये रास्ता है वहीं से आगे जाना है। यहाँ ऊपर, यहाँ ऊपर नहीं जाएगा तो भी चलेगा, छोटे मंदिर है। अभी तो मैंने एक दो जो लोकल है यहाँ पर उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि ये रास्ता सीधा वहाँ पर आपको बड़े मंदिर और जो दरगाह है वो मिलेगी। तो फाइनली अब लोग हम पहुंच गए हजरत नवाज़ पीर दरगाह पे, जो स्ट्रेट रोड से आप आते हो तो आपको मिलेगी। तो देखते हैं कैसी है दरगाह। तो ये मेरे पीछे यहाँ पे दरगाह है और उसके सामने ही पंचमुखी महादेव का मंदिर है और अभी तो बंद लग रहा है। तो दरगाह है वो ओपन है, पेड़ है बहुत बड़े, वहाँ बैठने की अच्छी जगह है। ये जो पंचमुखी महादेव का मंदिर है वो अभी बंद है तो अंदर खोल के हम लोग नहीं जा रहे। अब उसके आगे एक जैन देरासर है, वो चेकआउट करते हैं। आपको यहाँ पे दरगाह के पीछे भी खाने पीने की शॉप है वो मिल जाएगी, चाय, नाश्ता, नींबू शरबत, ये सब चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएगी। तो अगर आप नाश्ता लेके नहीं आए तो यहाँ से पैकेट ले सकते हैं। लास्ट वीडियो में हमने आपको महल दिखाया था, वो लगता है ऐसा एंट्रेंस जैसा ही, क्योंकि 18 मिनट का वीडियो हमने बनाया था। उसके पीछे आएंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने को मिलेगी। तो अगर आप लोग इधर आ रहे हो तो हो सके तो सुबह से इधर आ जाना, क्योंकि पीछे काफ़ी सारे मंदिर है, एक दरगाह है और अभी एक दो मंदिर हम एक्सप्लोर करने हैं। बट यहाँ पर जो जिस जगह पर हम लोग आए हैं वो देखने लायक है। यहाँ पर एक लेक है तो आपको दिखाता हूँ। एक छोटा सा करेक्शन है, लेक नहीं है, कंडीशन बहुत ख़राब है। कुछ इस तरीके का दिख रहा है, पूरा ग्रीन है। हम जब वहाँ पे नींबू शरबत पी रहे थे वो भाई ने बोला था लेक है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे आए हैं, पर लेक नहीं है। और इसके सामने वहाँ पे माता जी का मंदिर है जो अभी हम लोग एक्सप्लोर करने नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हमें जैन देरासर है वहाँ पर जाना है, तो ये रास्ते में नहीं पड़ता, उसके लिए सामने की साइड जाना पड़ता है, तो हम लोग वहाँ पर जा रहे हैं। तो फाइनली पहुंच गए हम लोग जैन देरासर, जो अभी मैंने आपको वीडियो में दिखाया। अभी तो ये बंद है, तो बोल रहे बंद है कि दर्शन करना है तो खोल देते हैं। तभी ये भाई जो चल के ऊपर जा रहे हैं वो हमारे लिए मंदिर खोल रहे दर्शन करने के लिए, बहुत अच्छी बात है। अभी आपने मंदिर देखा, बहुत ही औसम है, बहुत ही शांत जगह है। और अभी कोरोना के टाइम की वजह से मंदिर इतना खुला नहीं रखते, पर हम लोग इतने दूर से ऐसे जगह खोल दिया। बहुत ही एकदम वाइट है और जो स्ट्रक्चर है बहुत ही मस्त है, पुराना मंदिर है बट इधर अगर आप लोग आ रहे हो तो देखना बनता है। तो ये जो मंदिर है वो 2500 साल पुराना है, बट अभी कलर काम और वो करके थोड़ा सा रिकन्स्ट्रक्ट करके नया बनाया गया है। बट लग नहीं रहा किसी भी एंगल से देखे कि ये मंदिर 2500 साल पुराना है, इतनी बेस्ट कंडीशन में है। सो अभी जैन देरासर के बाद हम लोग जा रहे हैं हमारे लास्ट स्टॉप पे। यहाँ पे एक बंदा है, उसने बोला कि जैसे ये सामने की दीवार आप क्रॉस करोगे बहुत ही अच्छा व्यू है पूरे माउंटेन का। कुछ अच्छा नहीं होगा, उधर कचरा होगा। देखते हैं भाई हमने कौन सा पैसे दिए, यहाँ तक आए तो देख लेते हैं कि उसने बोला था माउंटेन का एक अच्छा व्यू मिलेगा, तो लेट्स सी कैसा रहता है वो व्यू। और राशो को कुछ दिखा यहाँ पे, अच्छा है। वाओ 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 वाओ, ये मत डालना। ये तो जरूर डालेंगे। मैं सैफ अली खान जाग गया अंदर का। वो बंदे ने हमें बताया था कि दरवाजे के बाहर निकलोगे तो बहुत ही अच्छा व्यू आएगा, और सच में सामने जो दिख रहा है वो बहुत ही ऑसम व्यू है।
और सच में मुझे भरोसा नहीं था, हमें भरोसा नहीं था, शायद हमें लगा कि कोई नहीं, एक दो पहाड़ियाँ होगी उसका कोई व्यू होगा, बट ऑसम व्यू है, आपके इंस्टाग्राम के लिए सबसे बेस्ट है, जस्ट लुक एट द व्यू। यहाँ नीचे लोग क्रिकेट भी खेल रहे हैं, कितना बड़ा ग्राउंड है। शायद ये जो व्यू है ये कैमरा पे इतना जस्टिस नहीं करता होगा, अगर मेरे पास ड्रोन भी नहीं है, काश मेरे पास एक ड्रोन आता तो आपको जो ये सीन है ना, मैं आराम से ड्रोन में इतना मस्त शूट करके दिखाता, बट अनफॉर्चुनेटली अभी मेरे पास ड्रोन है नहीं। मैं ट्राई कर रहा हूँ किसी के पास अगर ड्रोन मिल जाए, या फिर कोई कहीं से दुबई से या यूएस से आ रहा है तो ड्रोन लेके आए, बट जब भी ड्रोन आएगा डेफिनेटली वी विल कवर दिस प्लेस अगेन, और मैं आपको यहाँ से ड्रोन व्यू डेफिनेटली दिखाऊँगा। फ़ोटोज़ क्लिक कर लिए, ठीक है, चलना है, आप चले घर जाना है, वापस नहीं जाना तो क्या करना है, वो बीच वाली सीढ़ी है ना, वो कवर करनी है अभी, कवर करनी है वो वाली। सो हाफ एन आवर यहाँ पे फोटोग्राफी करने के बाद अभी प्लान ऐसा है कि वापस जा रहे हैं हम लोग, क्योंकि उससे आगे कुछ देखने के लिए है नहीं, तो अभी प्लान ऐसा कर रहे हैं कि शायद जो बीच में जो दूसरा रास्ता था ऊपर जाने के लिए सीढ़ी वाला, जहाँ पे छोटे छोटे मंदिर थे जो हम नहीं कवर किए थे, क्योंकि अभी बज रहे सिर्फ 3, हमारे पास 1.5 घंटे का और टाइम है, तो शायद वो कवर कर लेंगे। सो फाइनली हम लोग आ गए बीच वाले रास्ते पे, यहाँ से जो नीचे उतरना है, स्टीप देख रहे हो आप कितना है, वहाँ ऊपर जाना है। चलो स्टार्ट करते, देखते हैं यहाँ पे कौन सा मंदिर है। कैसा लग रहा है, देखना गिरना मत, व्यू देख, व्यू कितना मस्त है, वहाँ पे बैठ जा नीचे, हाँ वही नीचे बैठ जा। तो आधे रास्ते पहुँच के अभी थक गए तो बैठे हुए, बट जस्ट लुक एट द व्यू, यहाँ से कितना खूबसूरत लगता है ये पूरा इडर, इडर ये इडर का जो महल है वो है, ये रूठी रानी का महल है और ये वो दरगाह है। सो नाउ इट्स टाइम टू मूव अहेड, अभी ऊपर तक चल के देखते हैं कि कौन कौन से मंदिर है, वर्थ है जाना या नहीं, आपको वीडियो में बताना ही पड़ेगा, तो हम लोग ऊपर चढ़ के आपके लिए देखते हैं कि कौन कौन से मंदिर है, क्या आपको यहाँ आना चाहिए या नहीं। अब ये मंदिर है, गुफा है, किसी के रहने की जगह है पता नहीं, यहाँ पे कोई टाइप का बोर्ड भी नहीं है, तो आई डोंट नो ये जगह कौन सी है, अगर आप में से किसी को पता है देन कमेंट डाउन बिलो। तो ये आई गेस यहाँ का लास्ट पॉइंट है, ये ऊपर कुछ छोटी सी मंदिर जैसा बना हुआ है, और यहाँ पे मेरे सामने कुछ छोटा सा मंदिर जैसा बना हुआ है बस, और वाह पीछे यहाँ पे बहुत गहरी खाई है, और यहाँ जो है रास्ता ख़त्म है, एक और जगह मिली है, दिस लुक्स इंटरेस्टिंग, काफ़ी किसी केव में आ गया ऐसा लगता है, बहुत ही मस्त है। बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह है, हाँ हाँ ये वही मंदिर है, हाँ। ये वो लेक के बाजू में मंदिर था ना, वो ये मंदिर है आदित्य वाला। सो आई थिंक हमने सब तो कवर कर लिया है,
रूठी रानी का जो महल है वो इसका कवर करने एक्सेप्शनली आएंगे अलग से, वो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है कवर करना। तो आई गेस नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तब हम लोग देख लेंगे, शायद कवर करें या ना करें। इस वीडियो में तो नहीं कर सकते कवर। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे'स वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन, अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करें एंड ऑल्सो हिट द नोटिफिकेशन बेल आइकन, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो लाइव हो उसकी सबसे पहले आपको अपडेट मिले। एंड वी विल सी यू गाइस इन आवर नेक्स्ट वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।